नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार। आज हम करने वाले हैं बद्रीनाथ धाम के दर्शन। बद्रीनाथ धाम भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। यह मंदिर हिंदुओं के सर्वाधिक पवित्र स्थानों में चार धामों में से एक है। चार धामों में बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम, ये चार धाम भारत के चारों कोनों में स्थित हैं। बद्रीनाथ धाम दो पर्वतों के बीच बसा हुआ है, जिन्हें नर और नारायण पर्वत कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने वर्षों तक तपस्या की थी। नर अपने अगले जन्म में अर्जुन तो नारायण अपने अगले जन्म में श्री कृष्ण के रूप में पैदा हुए। बद्रीनाथ धाम एक प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण 8वीं-9वीं शताब्दी में होने के प्रमाण मिले हैं। बद्रीनाथ धाम के आसपास बसे शहरों के नाम भी बद्रीनाथ धाम के नाम से ही बद्रीनाथ कहा जाता है। हिमालय में होने वाली अत्यधिक ठंड के कारण यह धाम वर्ष में केवल 6 महीने ही खुलता है। अप्रैल के अंतिम दिनों से लेकर नवंबर महीने के शुरुआती दिनों के बीच ही यह धाम खुलता है। विष्णु पुराण, महाभारत, स्कंद पुराण जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। ये है बद्रीनाथ का टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड। यहाँ पे बस मिलती है, मैक्सिमम तो मिलेगी आपको ऋषिकेश की, पर कोई कोई जो प्राइवेट सर्विस है वो आपको केदारनाथ भी लेके जा सकती हैं। यहाँ से वो आपको उनसे पहले ही पूछना पड़ेगा। सुबह सुबह निकलती हैं यहाँ से ज़्यादातर बसें, 5-6 बजे तक, 7 बजे मैक्सिमम बस 7 या 8 बजे तक निकलती हैं यहाँ से बसें। ऋषिकेश के लिए आपको शायद लेट भी मिल जाए, क्योंकि ऋषिकेश के लिए निकलती बस 2-3 बस, बाकी सब के लिए एक एक बस ही निकलती है। जैसे यहाँ से केदारनाथ के लिए भी निकलती है एक बस। और ये पेट्रोल पम्प है, ये पेट्रोल पम्प के एकदम बगल में देखेंगे आप, यहाँ पे है इसकी खिड़की काउंटर, जो टिकट काउंटर है वो इधर ही है एकदम जो कोने पे है, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये साइड सा इसके नीचे है, वो भी बहुत टूटा पुराना सा है। शाम के समय ही मिलता है यहाँ पे, जैसे कोई जो जो कनेक्टर होता है जो टिकट बनाते हैं, बुक करते हैं, वो शाम के समय ही मिलते हैं यहाँ से। वैसे आप DTC का एक ऑनलाइन ऐप भी है, उससे आप बुक कर सकते हो। DTC के ऐप से, प्राइवेट बस के काफ़ी सारे ऐप हैं, उनसे कर सकते हो, जैसे रेड बस वगैरह से, उससे प्राइवेट बस होगी। सरकारी बस के लिए DTC का ऐप है, वो सबसे कम प्राइस रहता है उसका किराए का। ये है का व्यू है, और यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे माना विलेज है। अगर आप कभी बद्रीनाथ आओ तो माना विलेज घूमना है, जाना, क्योंकि माना विलेज जो है इंडिया का लास्ट विलेज है, जहाँ पे उसके बाद, माना के बाद आगे अगर जाओगे तो चाइना की बॉर्डर आ जाएगी। जहाँ तक हमारे देश के लोग रहते हैं वो अपना माना विलेज है, जहाँ पे आम पीपल रहते हैं, जो आम लोग हैं वो रहते हैं। उसके आगे फिर हमारी आर्मी वगैरह वो सब रहते हैं। जहाँ टैक्सी स्टैंड है, जहाँ पे आपको टैक्सी छोड़ेगी, वहाँ पे आप होटल सर्च मत करना, वहाँ पे होटल आपको बहुत महंगे मिलेंगे। आप वहाँ से थोड़ा आगे निकल जाना चौक की तरफ, वहाँ पे होटल और धर्मशाला काफ़ी संख्याएँ में हैं, जो आपको थोड़े सस्ते प्राइस पे मिल जाएगी। आप उधर से थोड़ा परमार्थ की तरफ निकल जाना, उधर काली बाबा आश्रम है, काफ़ी आश्रम है उधर, धर्मशालाएँ हैं और होटल भी हैं, जहाँ पे आपको होटल थोड़े कम प्राइस में मिल जाएंगे। ये नीचे है नाकनी नदी, और इसके इधर है नारद मुनि कुंड। इस कुंड का पानी गर्म है, मतलब इतना गर्म तो नहीं है, फिर भी अब जोर हो जाता है। यहाँ से आ रहा वो गर्म पानी, ये इधर दूसरा कुंड है। आधार कार्ड है, आगे ले जाए कोई आवाज।
यहाँ से आता है ये गर्म कुंड का पानी, यहाँ इसमें सब श्रद्धालु स्नान करते हैं। ये पूरी स्पीड में चल रहा है अभी पानी, ऐसे चलता है। अरे मंदिर छोड़ो भाई, ये ऊपर उधर मंदिर का दर्शन है, तब खून से ऊपर मंदिर है। जाने का रास्ता पीछे से है, लाइन से महिलाओं के लिए यहाँ है नहाने के लिए। ये अंदर रास्ता है, महिला कुंड यहाँ पे है और उधर वो पुरुषों के लिए है, इधर है, इधर भी है पुरुषों के लिए नहाने के लिए। ये है बद्री विशाल मंदिर, जो मुख्य मंदिर है वो ये है। मंदिर में भीड़ देखो, श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी है। मंदिर के बाहर तो ये भीड़ है और इससे करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर तक लंबी लाइन है। लाइन बहुत लंबी है, 1.5-2 किलोमीटर तक के लिए है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से व्यू पॉइंट है, यहाँ से बिना लाइन में लगे हुए आ सकते हैं। ये है यहाँ का व्यू पॉइंट, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ एक वादी में बसा हुआ है बद्रीनाथ विशाल। जय बाबा बद्री विशाल। बद्री बाबा के पास से ऐसे नजारे देखने को मिलेंगे। कहा जाता है जो एक बार आए बद्री फिर कभी न आए अद्री, मतलब जो एक बार भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है फिर वो इस संसारिक मोह माया से दूर हो जाता है, मतलब वो पवित्र आत्मा वैकुंठ धाम को चली जाती है। वैसे भी कहा जाता है हमें अपने जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन जरूर करने चाहिए, तो आप लोग भी जल्दी आइए और बद्रीनाथ धाम के दर्शन कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में।